गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास के इस लेक्चर में आज अपन पूरा का पूरा जो अमाइंस वाला चैप्टर था, या फिर आप ये बोल सकते हो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स वाला जो चैप्टर था, उसका टोटल रिव्यू देखेंगे। हमने एक एक करके फंक्शनल ग्रुप्स देखे हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी है, मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखी है, और अदर एक्स्ट्रा जो फीचर्स है वो सारे के सारे देखे हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर मैं इसको रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए। स्टार्टिंग में अपन ने देखा था अमाइंस क्या होते हैं। सबसे पहली लाइन यही है, अमाइंस आर द अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया का बेसिक फॉर्मूला होता है NH3। व्हेन हाइड्रोजन ग्रुप इज रिप्लेस्ड विद द R ग्रुप देन अमाइंस आर ऑब्टेन। पायरामिडल स्ट्रक्चर है, लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, और इसका जो बेस एंगल होता है 107 डिग्री होता है, बट अमाइंस का एंगल जो होता है वो लेसर होता है किससे, 107 डिग्री से। कितना लेस होगा तो वो डिपेंड करेगा आर ग्रुप की साइज़ पे। आर ग्रुप का साइज़ इंक्रीज होगा तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस इन विच वी हैव स्टडी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बेस स्ट्रक्चर देखने के लिए NH2 ग्रुप 1 डिग्री, NH ग्रुप 2 डिग्री, ओनली नाइट्रोजन 3 डिग्री अमाइंस को डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद में आपको नोमेनक्लेचर में ये ध्यान रखना है, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग एल्किल अमाइंस और IUPAC नेम के अकॉर्डिंग अपन दे आर नेम्ड एज एल्केन अमाइन। ठीक है, एल्केन अमाइन के फॉर्म में नोमेनक्लेचर करते हैं, जैसे एक कार्बन का तो हमने लिखा मिथेनामाइन, दो कार्बन है तो इथेनामाइन, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आइसोमेरिज, पोजिशनल आइसोमेरिज में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन अलग होगी। 3 कार्बन्स की सीरीज है जिसके फर्स्ट नंबर पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, 3 कार्बन की चेन है जिसके सेकंड नंबर पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों सीरीज आपस के अंदर NH2 ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस है, तो ये आइसोमर कैसा हो गया, पोजिशनल आइसोमर। सेकेंड आइसोमर क्या आएगा, चेन आइसोमर में पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी लेकिन अनब्रांच चेन जो है वो ब्रांच में कन्वर्ट हो गई। फंक्शनल ग्रुप में 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री में, या 1 डिग्री 3 डिग्री में, या फिर 1, 2, 3 का आपस में क्या हो जाता है, इंटर कन्वर्जन हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, मेटामेरिज में 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन शो करते हैं, जो मीडिएटर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है, तो कार्बन चेन के एक्सचेंज होने की वजह से। इधर 3 कार्बन की सीरीज थी, इधर 2 और 2 की हुई है, तो इंटर कन्वर्जन बिटवीन द कार्बन चेन क्या बनते हैं, मेटामर्स बनते हैं। नेक्स्ट हमने देखा है होपमॉन्स मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। होपमॉन्स मेथड के लिए देखो मैं आपको बताऊँ, इसको अपन अमोनोलाइसिस भी बोलते हैं, या फिर अपन इसको ये बोल सकते हैं कि होपमॉन अमोनोलाइसिस या होपमॉन मेथड बोलेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, अमोनिया की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, बार बार इसका अमोनिया का हर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा मिथाइल ग्रुप से, आर ग्रुप से रिप्लेस होता जाएगा। ऐसा करने से अपन को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर मिलता है। ये जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सबसे पहली बात ये पूछी जाती है इस रिएक्शन के लिए कि रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो RI, RBR, RCL। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्किल आयोडाइड, देन एल्किल ब्रोमाइड, और उसके बाद में कौन होते हैं, एल्किल क्लोराइड होते हैं। इस रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री अमाइन अगर हम लेना चाह रहे हैं तो अपन को अमोनिया क्या लेना पड़ेगा, एक्सेस में लेना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात थी होपमॉन्स रिएक्शन की। सेकंड रिएक्शन हम एल्कोहल से करते हैं, रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर आई थी। इसमें डिफरेंस क्या बताया था मैंने कि इसमें क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आई थी नाइट्रो कंपाउंड में मैंने क्या बोला था, नाइट्रो कंपाउंड्स को जब कम्प्लीटली रिड्यूस करोगे, अब नाइट्रो कंपाउंड में भी पढ़ा था अपनी रिएक्शंस, कम्प्लीटली रिड्यूस करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, NH2 के अंदर अगर मैं आप लोगों के IQ के हिसाब से देखना चाहूँगी तो उसका पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, हाइड्रोक्सिलामाइन, और उससे भी कम वीक रिडक्शन करते हैं तब क्या मिलता है, नाइट्रोसो कंपाउंड्स मिलते हैं। वीक रिडक्शन नाइट्रोसो कंपाउंड, पार्शियल रिडक्शन हाइड्रोक्सिलामाइन, कंप्लीट रिडक्शन देन अमाइंस आर ऑब्टेन। रिएक्शन अगर SnCl2+HCl की कंडीशन में होती है देन रिएक्शन इज नोन एज स्टीफेंस रिएक्शन, STEPHEN स्टीफेन रिएक्शन। ठीक है ना, कब, जब SnCl2+HCl की प्रेजेंस में हो रही हो। फिर देखो ये साइनाइड का रिडक्शन था, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन था, एसिड अमाइड का रिडक्शन था, ऑक्सिम्स का रिडक्शन था।
ये नॉर्मल रिएक्शंस हैं जिनको आप देखते जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है होपमोन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो कई बार बोर्ड से पूछा गया है होपमोन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, अमाइड की रिएक्शन करवाई जाती है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ बेस लिए जाते हैं जिसमें Br2 के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, इसके अंदर डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालने के लिए CO ग्रुप को रिप्लेस कर दें और प्रोडक्ट निकालें। डिग्रेडेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिएक्टेंट के कंपैरिजन में एक कार्बन कम होता है, 1 less कार्बन होता है, इस वजह से पेरेंट अमाइड की कंपैरिजन में, इसलिए रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसलिए ज़्यादा फेमस है। प्रिपरेशन को ध्यान रखें, इंटरमीडिएट कौन बनता है इसमें, नाइट्रीन बनती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर प्राइमरी अमीन्स का सिंथेसिस करते हैं अपन, जब थैलेमाइड की रिएक्शन पहले KOH देन NK देन RI के साथ करवाते हैं तो NR, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, RNH2 बनेगा, ठीक है। जो गैब्रियल थैलेमाइड होती है उसके अंदर अपना सिंथेसिस किसका होता है, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन के साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड के साथ में, जबकि कर्टियस रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, RCOCl एसिड हैलाइड के साथ में। स्मिथ रिएक्शन में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, RNH2 मिलेगा, ठीक है। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रीटेड विद हाइड्रोजोइक एसिड दे फॉर्म अमाइन्स। कर्टियस रिएक्शन क्या होती है, कर्टियस रिएक्शन में व्हेन एसिड हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सोडियम एजाइड दे फॉर्म प्राइमरी अमाइन्स, ओके। फिजिकल स्टेट्स आप देखते जाएंगे खुद। उसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में आपको ये देखना है कि कंपैरिजन देखना है एलिफेटिक एमीन और अमोनिया में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो ध्यान रखें एलिफेटिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप एट द अमाइन्स, क्योंकि आर ग्रुप जिससे डिस्प्लेस करते हैं वो प्लस आई वाला ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो अमोनिया की कंपैरिजन में एलिफेटिक जो अमाइन्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। देन आती है जो बेसिसिटी होती है उसको डिफाइन करने के लिए 3 थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरीज आपकी इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है, प्लस आर ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन सबसे ज़्यादा कौन, 3-2-1। सेकेंड इफेक्ट क्या है, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट ये कह रहा है डोनर इफेक्ट की बजाय एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक हिंडरेंस बढ़ेगा, हिंड्रेंस बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी गिर जाएगी जिससे क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आएगा, 1-2-3। सॉल्वेशन इफेक्ट कहता है एच एटम का प्रेजेंस, एच एटम की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो कौन सी है, सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या कहता है, एच बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ ऑर्डर आता है वो आता है 1-2-3। ओवरऑल अपन बोल सकते हैं दो थ्योरी ये कहती है, 1 degree greater than 2 degree than 3 degree, सबसे ज़्यादा 1 degree को बता रही है। तो ओवरऑल जो ऑर्डर आएगा वो तो कितना आ जाएगा, 1 degree 2 degree 3 degree आ जाएगा, ठीक है। बट स्पेसिफाई केस कौन से हैं, व्हेन आर ग्रुप इज मिथाइल, मिथाइल ग्रुप की कंडीशन में आपको याद रखना है 2 degree 1 degree 3 degree देन अमोनिया। सिक्वेंस बहुत अच्छे से याद रखना है क्लियरली। इफ़ आर ग्रुप इज C2H5, अगर मिथाइल सब्सटीट्यूटेड है देन 2 degree 3 degree 1 degree देन अमोनिया, श्योर। नेक्स्ट आती है बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन देखना है, और बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन किस किस के बीच में देखना है, इस पर एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में देखना है। देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक की बात करें तो एलिफेटिक भी बेस होते हैं, अमोनिया भी बेस होती है, इतना तो देखा अपने। एलिफेटिक आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस देन अमोनिया, पर एरोमेटिक का सिक्वेंस कहाँ आएगा, तो एरोमेटिक के अंदर क्या होता है, एरोमेटिक अमाइन्स आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस के टाइम में लोन पेयर अपना शेयर करता है नाइट्रोजन एटम, तो ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजन एटम हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इट क्रिएट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, सो द बेसिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजेस। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से लोन पेयर तो अवेलेबिलिटी तो रहती नहीं है, उसके साथ ही क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, सो ये क्या होंगे, वीक बेस होंगे। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, एलिफेटिक, उसके बाद में कौन है, अमोनिया, देन कौन है, एरोमेटिक है, ठीक है। जब भी कंपैरिजन पूछा जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को ये लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला फैक्ट आता है कि एरोमेटिक अमाइन्स होते हैं उसके अंदर सब्सटीट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है, तो ध्यान रखें आज के बाद में बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई, प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनर से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो लोन पेयर इजीली अवेलेबल हो जाएगा डोनेट करने के लिए,
और माइनस आई ग्रुप अगर होंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करते, इसलिए क्या होता है लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा, और लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता है देन क्या होता है उनके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके बाद में देखो अपन ये देखेंगे प्लस आई इफेक्ट देख रहे हो, माइनस आई, इसके अंदर कुछ ग्रुप्स आएंगे जिनका कंपैरिजन आता है, तो कौन से ग्रुप की ऐड होने पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, किसके कम होगा, इस तरीके से आपको ये इफेक्ट देखने हैं। जैसे नाइट्रो जुड़ा तो नाइट्रो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो सबसे वीक बेस बनेगा, डोनर ग्रुप जुड़ा तो डोनर ग्रुप के हिसाब से इसका डिसीजन लेना आपको, ठीक है। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसके अंदर आपको इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट याद रखना है, इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई ग्रुप और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो देखिए, नेक्स्ट फीचर आती है अमाइंस की केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये कुछ नॉर्मल रिएक्शंस हैं वो तो देखें आप, वाटर के साथ में, एसिड के साथ में, जिनमें ये एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। इसके साथ में देखो एक एसाइलेशन रिएक्शन है, एसाइलेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जिसमें अपन ने देखी थी सोटरमोमांस रिएक्शन। क्या होती है, जब प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो बेंजोइलेशन होता है, और इफ़ द बेंजोइलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनी विच बेस की प्रेजेंस में हो रहा है देन उसको अपन क्या बोलते हैं, सोटरमोमांस रिएक्शन बोलते हैं। प्राइमरी अमाइंस ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनी विच दिस स्पेसिफाइड रिएक्शन इज नोन एज सोटरमोमांस रिएक्शन, ठीक है ना, कंडीशन स्पेसिफाई है। कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बिल अमाइन रिएक्शन, हाँ ये देखें कार्बिल अमाइन रिएक्शन किसको बोलते हैं, देखो अपन ने अभी देखा है चैप्टर के अंदर जो वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक थे उसमें कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइन किसको बोलते हैं, आइसोसाइनाइड को बोलते हैं। इनके अंदर क्या होती है, बहुत ही फुली से स्मेल होती है, बहुत ही रफ स्मेल होती है। फिर क्या होती है, इसके अंदर प्राइमरी अमाइंस उनको ट्रीट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में, किस में, बेसिक मीडियम में। व्हेन प्राइमरी अमाइंस आर ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम दे कन्वर्ट इनटू एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसके अंदर क्या होती है, बहुत ही रफ सी स्मेल होती है। ये इंडिकेट करता है किसको, प्राइमरी अमीन टेस्ट को, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बल अमाइन टेस्ट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन होफमन ब्रोमेमाइड आ गया, होफमन डिग्रेडेशन आ गया, होफमन कार्बिल अमाइन रिएक्शन आ गया, तीन होफमन रिएक्शन आ चुके हैं। उसके बाद में आपको देखो, इसके बाद में आपको रिएक्शन करनी है किसके साथ में, HNO2 के साथ में, इसको बोलते हैं होफमन नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं, या नाइट्रोसो टेस्ट भी बोल सकते हो, या फिर रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड भी बोल सकते हो। नाइट्रोसो टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस में अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 1 डिग्री अमाइंस की रिएक्शन जब इसके साथ करवाते हैं तो एल्कोहल बनते, 2 डिग्री अमाइंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड बनते, 3 डिग्री अमाइंस के साथ रिएक्शन करते तो पहले सॉल्ट बनता है देन वो किस में ब्रेक डाउन होता है, एल्कोहल में ब्रेक डाउन होता है। तो अगर हमने नाइट्रोसो टेस्ट लिया है, फास्टली एल्कोहल की स्मेल आए 1 डिग्री अमाइन, नाइट्रोसो कंपाउंड बने 2 डिग्री, हीट करने पर एल्कोहल की स्मेल आए देन 3 डिग्री अमाइन, ये क्या करता है, डिस्टिंग्विशन करता है किसका, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज हिंसबर्ग रिएजेंट। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हिंसबर्ग टेस्ट किसको बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं, तो हिंसबर्ग रिएजेंट का IUPAC नेम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये भी अपन को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस के बीच में डिफ्रेंशिएशन देता है। इनको जब हिंसबर्ग रिएजेंट को रिएक्शन करवाते हैं अमाइंस के साथ में तो ये सल्फोनिलमाइड बनाते हैं। अगर सल्फोनिलमाइड KOH में सोल्यूबल रहे 1 डिग्री, इनसोल्यूबल आए 2 डिग्री और नो रिएक्शन आए 3 डिग्री, सल्फोनिलमाइड इसके साथ रिएक्शन HBr NH आए, हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से KOH में सोल्यूबल है 1 डिग्री, सोल्यूबल नहीं रहे 2 डिग्री और अगर कोई रिएक्शन ही नहीं हो देन कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से करवाते हैं, स्पेसिफाई रिएक्शन नहीं हो पाती क्योंकि दोनों कंडीशन में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है।
नेक्स्ट जो हॉपमॉन रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, हॉपमॉन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन होती है। हॉपमॉन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में क्या होता है, बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल जो मस्टर्ड सीड जो होता है उसकी स्मेल आती है। तो स्मेल के बेसिस के ऊपर अपन क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल्स आर प्राइमरी अमाइंस आर ट्रीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड दे फॉर्म ए इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑन फर्दर डिसोशिएट विद HgCl2 देन एल्किल आइसोथायोसाइनाइड कंपाउंड्स आर फॉर्म। एल्किल आइसोथायोसाइनाइड कंपाउंड्स बनेंगे जिसके अंदर क्या होती है, थायोसाइनाइड जो होता है उसके अंदर स्मेल होती है मस्टर्ड सीड जैसी, इसलिए इसको अपन बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल। प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म प्लस बेस डाला, अगर उसके अंदर स्मेल आती है किसकी, फुली स्मेल आती है तब तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड बना होगा, और अगर मस्टर्ड सीड जैसी स्मेल आती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड सीड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको कई बार ये देखना है हाइड्रोक्सिलमाइन से आगे करोगे तो नाइट्रोसो को आगे करोगे तो नाइट्रो कंपाउंड्स। रिवर्स इस रिएक्शन को देखोगे तो नाइट्रो कंपाउंड्स को अगर आप वीक रिडक्शन करोगे तो नाइट्रोसो, पार्शियल रिडक्शन करोगे हाइड्रोक्सिलमाइन, कंप्लीटली रिड्यूस कर दोगे RnH2 कंपाउंड बनता है। रिएक्शन दोनों तरफ से समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद में देखो आप ये जो रिएक्शंस हैं अपन ने देखी है, KMnO4 के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो NH2 से डायरेक्टली स्टेप कहाँ आ जाता है, NO2 पे आ जाता है। तो KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन NH2 के साथ करवाने पर डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, वो NO2 के ऊपर आकर फिर रुकती है रिएक्शन। ठीक है, 3 डिग्री अमाइंस जो होती हैं उनके साथ में ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। ये तो क्या था आपका, एलिफेटिक अमीन्स था। एलिफेटिक अमीन्स के बाद में आपका क्या आता है, एरोमेटिक अमाइंस आता है। एरोमेटिक अमाइंस के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, एनिलीन। उसके बाद में आती है क्या, एनिलीन। एनिलीन में अपने देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टाइम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की वजह से है ना, ये क्या होता है एलिफेटिक एमीन्स की बजाय है ना क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। बट ध्यान रखना कि बेंजीन रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज घूमता है इसलिए ये मोर रिएक्टिव होता है किसके कंपेरिजन में, बेंजीन के कंपेरिजन में। ठीक है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बहुत इफेक्टिवली देगा क्योंकि इसका NH2 ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद में देखो आपको, हाँ इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ये याद रखना है कि जो अमाइन ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी की वजह से इसकी ऑर्थो और पैरा सारी पोजीशन के ऊपर सब्सटीट्यूशन बहुत फास्टली होता है। तो ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए तो रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में कर सकते हो, पर मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले रिएक्शन CH3COCl यानी असाइलेशन करते हैं। और उस असाइलेशन का क्या कारण होता है, असाइलेशन का रीज़न होता है NH3 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना ताकि इसका प्लस आई इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो। प्लस आई इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा देन अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी अपने पास में मोनो या मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आएगा तो पूछा जाता है बिफोर द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन व्हाई वी प्रोसीड द असाइलेशन रिएक्शन। तो इसके लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ NH2 ग्रुप वी हैव टू फर्स्टली ट्रीटेड द एनिलीन विद असाइल ग्रुप देन फर्दर नाइट्रेशन विल बी टेक्स प्लेस। ओके, सल्फोनेशन रिएक्शन में भी यही है ना। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को डैमेज करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका असाइलेशन करते हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए। देन इसकी रिएक्शन कौन सी आती हैं, देन इसकी रिएक्शंस आती हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या करते हैं अपन, कपलिंग रिएक्शन के अंदर डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अपन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है ना, डोनेटिंग ग्रुप कंटेनिंग बेंजीन कंपाउंड के साथ करवाते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, डाइस बनती है ना, डाइस बनती है जिसको अपन बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद में आप लोगों के क्या आती है, इसके अंदर कार्बिलामाइन टेस्ट आ ही चुका था पहले है ना। उसके बाद में कौन से आता है, नाइट्रोसो टेस्ट आता है। नाइट्रोसो टेस्ट के बाद में कौन आता है, हिंसबर्ग टेस्ट आता है। ठीक है, उसके बाद में आती है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देखो अनस्टेबल होता है। उसके बाद में क्या करती है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर आपको दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक है सैंडमेयर रिएक्शन, दूसरी है गाटरमैन्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, एनिलीन उसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडामाइड। सोडामाइड इज द मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl, डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में करवाते हो तो रेस्पेक्टिव जो भी सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट लेते हो वो SN2 रिएक्शन के थ्रू बन जाता है। एक स्पेसिफाई रिएक्शन थी HBF4 जिसको अपन बोलते हैं बोल्ट्ज़मैन रिएक्शन। ठीक है,
गटरमैन रिएक्शन में और सैंडमैन रिएक्शन में फ़र्क इतना ही होता है, जैसे इसमें CuX2, CuCl2, CuBr2, CuCN इस तरीके से लेते हैं अपन, जबकि इसमें कॉपर मेटल यूज़ करी जाती है। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल होती है, जबकि ये आयनिक मेथड से होती है, इसलिए गटरमैन रिएक्शन क्या होती है, बेस्ड होती है ना। गटरमैन रिएक्शन बेस्ड होती है किससे, सैंडमैन रिएक्शन के कंपैरिजन में, जबकि प्रोडक्ट बिल्कुल दोनों में क्या बनता है, सेम बनता है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा आप लोगों के साइनाइड आइसोसाइनाइड ये सिलेबस में है। मोस्ट ऑफ जो चैप्टर है वो मैंने आप लोगों को क्या करवाया है, रिपीट करवाया। इसके बाद का जो चैप्टर है वो आप खुद देखें, फिर भी आप लोगों को कहीं डाउट होता है तो उसके बाद में अपन एक रिव्यू क्लास और ले लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स जिनका ये फर्स्ट वीडियो है उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके टॉपिक बाई टॉपिक अपने सारे के सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, तो उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लें, या फिर चैनल जहाँ पे आपने ऐड किया है वहाँ पे जाके आप देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उनको देखते जाएँ और नोट्स जो है वो प्रिपेयर करते जाएँ। होप्सो आप लोगों का सारों का ये क्लियरली चल रहा होगा, जहाँ पर भी डाउट आए आप लोग उसको नोट करते जाएंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।